प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो गुरु चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नया संस्करण लेकर के आए हैं। विषय है कि पुरुषों को किन स्थितियों में जन्म कुंडली के अंदर कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पत्नी सुख से वंचित रख देते हैं, यानी कि उनको शैया का सुख नहीं मिलता। कई बार तो ये विधुर का योग बना देते हैं। मेरे एक भाई ने कहा, मेरे दर्शक ने कहा कि अभी तक आपने स्त्रियों के सुख के ऊपर बनाया, अब एक ऐसे वीडियो बना दीजिए जिससे पता चल जाए कि पुरुषों को स्त्री सुख से वंचित क्यों रहना पड़ता है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपकी यह अभिलाषा पूरी हुई और हम आपको ये कुंडली के ग्रह स्थिति बताने जा रहे हैं, आप पूरी तरह से समझिएगा। देखिए, हमारे जीवन का जो समय है पति पत्नी का सुख का, बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले भी कह चुका हूँ कि जीवन पथ है और जीवन साथी पथ के दो राही हैं, अर्थात पति पत्नी रथ के पहियों की तरह हैं। कोई भी पहिया टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो यात्रा बड़ी मुश्किल से कटती है। इसी विषय पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं किन स्थितियों में पुरुष को स्त्री का सुख नहीं मिल पाता। कई बार कलहपूर्ण जीवन हो जाता है, नारकीय जीवन बन जाता है, तो उन योगों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरी तरह से देखिएगा। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर वैवाहिक सुख का जो विचार है वो हमेशा सप्तम भाव या फिर सातवें घर के मालिक माने सप्तमेश से किया जाता है। और इसके अलावा शुक्र ग्रह भी वैवाहिक यानी दाम्पत्य जीवन के सुख का महत्वपूर्ण कारक होता है सप्तमेश, क्योंकि शुक्र ग्रह भोग विलास शैया सुख का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है। तो यदि किसी आदमी की जन्म कुंडली के अंदर देखा जाए तो शुक्र ग्रह से ही स्त्री का पता चलता है, और यदि किसी स्त्री के कुंडली देखा जाए तो उसको पति सुख के लिए बृहस्पति का योग देखना होता है। और जन्म कुंडली का 12वां घर शैया सुख का घर है, इसलिए इन दाम्पत्य सुख देने वाले कारक ग्रहों कारकों पर अगर कोई पाप ग्रहों की या क्रूर ग्रहों की, कई बार अलगाववादी ग्रहों का असर हो जाता है तो जिंदगी भर मनुष्य को वैवाहिक सुख नहीं मिलता, वो तरसता रहता है। सूर्य शनि राहु ये जब मतलब प्रतिद्वंदिता कर देते हैं, अलगाववादी स्वभाव है इनका, और उसी जगह पर अगर देखा जाए तो मंगल और केतु मारण के कारक स्वभाव वाले ग्रह हैं। ये सभी ग्रह जीवन साथी के सुख में या दाम्पत्य जीवन में बाधक हैं। चलिए योग पर आते हैं। नंबर एक, अगर सातवां भाव इसके ऊपर सातवें भाव के ऊपर राहु शनि तथा सूर्य की दृष्टि नजर पड़ जाए, या फिर सातवें घर का मालिक जिसको सप्तमेश कहते हैं अशुभ स्थानों में हो जाए और शुक्र ग्रह पीड़ित हो जाए या फिर निर्बल
हो जाए तो आदमी को दाम्पत्य सुख नहीं प्राप्त होता है। नंबर एक, मैं आपको कुंडली भी देखना बताऊंगा कि आप कुंडली देख लीजिए। चलिए नंबर दो कारण पर चलते हैं। अगर सूर्य शुक्र की युति हो जाए और सातवें स्थान का मालिक पीड़ित और कमजोर निर्बल हो जाए, या फिर सातवें घर में पाप ग्रहों का असर हो जाए, तो उस आदमी को वैवाहिक सुख दाम्पत्य सुख कभी मिल नहीं पाता। ये दो कारण हो गए। तीसरे कारण पर चलते हैं। अगर सप्तम घर में मकर या कुंभ राशि बनती हो और सातवें घर का मालिक सप्तमेश कहा जाता है, सूर्य शनि राहु के मध्य में हो जाए, साथ में हो जाए और फिर शुक्र ऊपर से दब जाए, पीड़ित हो जाए या निर्बल हो जाए, तब भी आदमी को दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता। तीन कारण हुए। हालांकि हजारों कारण निकलेंगे, जितना खोजेंगे। ईश्वर ने बनाया है विधान पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, उसी मनुष्य को सुख मिलता है। आपने सुख दिया है तभी सुख मिलेगा। कई बार स्त्री शत्रु, पिछले जन्म के शत्रु हमारी स्त्री या बच्चे बनकर के बदला लेने आ जाते हैं। चलिए विषय पर आते हैं। चौथा कारण, अगर सातवें घर का मालिक निर्बल और पीड़ित हो जाए और सातवें भाव में अशुभ बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो आदमी को दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता। पांचवा कारण देखते हैं। बारहवां घर, अगर बारहवें भाव पर जो अशुभ कारक ग्रह हैं, बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, या फिर शुक्र पीड़ित अथवा फिर निर्बल हो जाए, या सातवें भाव पर सूर्य राहु और शनि का असर हो जाए, अथवा फिर सप्तमेश बुरे स्थानों में चला जाए, तो भी आदमी को वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता। अपनी कुंडली आप चेक कर लीजिए। चलिए छठे कारण पर आते हैं। अगर लग्न में राहु बैठा हुआ हो, जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र इकट्ठे हों, उनकी युति हो, तब भी आदमी को दाम्पत्य सुख में बाधा आती है। सातवां कारण चलते हैं। अगर लग्न में शनि बैठे हों और सातवें घर के मालिक सप्तमेश कहीं पर बैठे हों अस्त होकर के, या फिर निर्बल अशुभ घरों में हों, तो फिर ऐसे आदमी को सुख मिलता है विलंब से। लेकिन जिंदगी भर जीवन साथी के साथ विचार नहीं मिल पाते, आपसी मतभेद रहता है। नंबर आठ, अगर सातवें घर में राहु बैठे हों और सातवें घर का मालिक पाप ग्रहों के साथ, छठा घर शत्रुओं का होता है, आठवां घर मृत्यु का होता है, तो छठा घर शत्रु के पास बैठ जाए अगर सप्तमेश, या मृत्यु स्थान पर, अष्टम स्थान पर, या फिर बारहवें घर में सप्तमेश बैठ जाए, तो ऐसे आदमी को तलाक लेना पड़ जाता है। चलिए एक कारण और बताते। अगर लग्न में मंगल हो और सातवें घर का मालिक
अमंगल करता हो, अशुभ अवस्था में, अशुभ भाव में बैठा हो, या फिर दूसरे घर का मालिक द्वितीय पर मारण ग्रहों का प्रभाव हो, मारक स्थान के ग्रहों का प्रभाव हो, तो भी पत्नी के मरण का भय रहता है और मृत्यु हो जाती पत्नी की, तो इससे फिर पुरुष को सुख नहीं मिलता। चलिए कारण और देखते हैं। मान लीजिए किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति के ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव असर हो और सातवें घर का मालिक पाप ग्रहों से व्यथित हो और सातवें घर के ऊपर सूर्य और शनि तथा राहु की नज़र पड़ रही हो, तो ऐसी अवस्था में स्त्री को भी दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख नहीं प्राप्त हो पाता। योग और भी हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे प्रत्येक योग का अनुभव कराएंगे। इस विषय को लेकर के आज इस कुंडली में बस इतना ही। उसके बाद आपके प्रतिक्रिया का, आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपको जानना है, अपने बारे में पूछना है, तो वैसे तो कमेंट करें। और एक समय ऐसा होगा कि आपके सामने ज्योतिष के तत्व लेकर के, तथ्य लेकर के, विचार करके इकट्ठे सामने आमने लाइव होंगे, वार्ता करेंगे। देखते रहिए। क्यों, सत्य कहूं तो जीवन में हमने 30 वर्ष निकाल दिए इसी विषय के ऊपर, घरों को बसाने का प्रयास हमेशा रहा। अगर आपकी कुंडली में कोई बुरे ग्रह हैं और आपकी जिंदगी में आपसी मतभेद है, तो प्रत्येक रोग का एक इलाज होता है, चिकित्सा होती है। अगर रोग है तो उसका इलाज है, इसलिए यदि आप इलाज कर लें तो संभवतः कुछ परिवर्तन हो जाता है, ताकि दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते। तो इसमें इतना ही। आगे पुनः किसी योग को लेकर आपके सामने हम उपस्थित होंगे। यही कहते हुए लेकर चलते हैं विदा। आप सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण।